नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। रीट लेवल फर्स्ट 8000 पोस्ट थी खाली, लेकिन रिश्वल और वेटिंग सिर्फ 5500 पोस्ट पर। बड़ा सवाल, हम आपको देते हैं जवाब। पूरी खबर जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लो यार, अब तो सब्सक्राइब करें बाबू चौधरी चैनल को और दबाइए इस घंटी के आइकन को, ताकि हमारे नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जैसे कि फ्रेंड्स, हम सबको मालूम है रीट लेवल फर्स्ट की ज्वाइनिंग के बाद में 8000 पोस्ट खाली रह गई थी, लेकिन रिश्वल और वेटिंग लिस्ट जो आने वाली है 8 मई को, वो सिर्फ 5500 पोस्ट पे आ रही है। इसका बड़ा कारण क्या है, इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हर आदमी के पास पहुँचे कि 8000 पोस्ट अगर खाली थी तो वेटिंग और रिश्वल परिणाम 5500 पोस्ट पर क्यों आ रहा है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम का रिश्वल परिणाम 8 मई को जारी होगा। इसके बाद 5500 नए अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी। निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 के 26000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस भर्ती में 18000 अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं, 8000 पद खाली रह गए। शिक्षा विभाग ने 5500 पदों की भरने की तैयारी शुरू कर दी है। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर 8000 पद खाली थे तो 5500 की भर्ती पे तैयारी शुरू क्यों की शिक्षा विभाग ने। तो फ्रेंड्स, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप घबराएं नहीं, अभी बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल उजागर करते रहें, इस बात को भूलें नहीं, जिससे कि ये पद लेफ्ट हो जाएं। बस आपका संगठन मजबूत चाहिए, हो सकता है इस बार नहीं तो एक और वेटिंग लिस्ट और रिश्वल परिणाम आएगा रीट लेवल फर्स्ट का। जैसे कि रीट लेवल 2 का भी हमको मालूम है 2 बार आ चुकी है वेटिंग और रिश्वल परिणाम, तो एक बार और पूरी आने की संभावना है रीट लेवल फर्स्ट को लेकर के भी। तो ये बचे हुए पद जो 2500 रह गए हैं वो नेक्स्ट में आ सकते हैं, अगर हम इस पे अड़े रहेंगे तो। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सरकार के कान में भी ये आवाज़ पहुँचे कि अभी भी बहुत से पद खाली पड़े हैं एक बार वेटिंग लिस्ट आने के बाद भी, तो एक और वेटिंग लिस्ट जारी करवानी है हमको रीट लेवल फर्स्ट को लेकर के, जिससे कि पूरे के पूरे पद भरे जाएँ। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ लेटेस्ट न्यूज लेटेस्ट अपडेट राजस्थान रोजगार से जुड़े हुई। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।